नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित तारे सूर्य के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य किस चीज से बना है? चलिए आज हम इस रहस्य को सुलझाते हैं। सूर्य हमारे लिए जीवन दायिनी है। ये न केवल हमें रोशनी और गर्मी प्रदान करता है बल्कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन सूर्य का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? सूर्य का 74% हिस्सा हाइड्रोजन से बना है, जो सबसे हल्का और सबसे साधारण तत्व है। हाइड्रोजन के बाद दूसरा प्रमुख तत्व है हीलियम, जो सूर्य का लगभग 24% है। सूर्य के अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा प्रक्रिया चल रही होती है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा हमें सूर्य की रोशनी और गर्मी के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य की सतह जिसे हम देख सकते हैं उसे फोटोस्फेयर कहा जाता है। इसके अलावा सूर्य में क्रोमोस्फेयर और कोरोना जैसी परतें भी होती है, जो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा और गर्मी का स्रोत है। हालांकि सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम ही पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और आयरन जैसे अन्य तत्व भी थोड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, सूर्य एक विशाल गैस बॉल है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसकी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया के कारण हमें रोशनी और गर्मी मिलती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।